तो हमारे बहुत सारे भाई ये कमेंट्स करते हैं कि जो बाइक में क्लिच प्लेटें होती हैं वो कितने किलोमीटर पर खराब हो जाती हैं और हमें कब चेंज करा लेना चाहिए। तो देखिए दोस्त, मैं आपको बताऊं कि बाइक में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनका किलोमीटर से कोई भी लेना देना नहीं होता है। किसी बाइक में वही पार्ट्स जो है 10,000 किलोमीटर पर खराब हो जाते हैं, तो किसी बाइक में वही पार्ट्स 40-50,000 किलोमीटर भी चलने के बाद खराब नहीं होते हैं। मसला क्या है कि वो हमारे चलाने पर डिपेंड करता है, उनमें से एक क्लिच प्लेटें भी हैं। अब क्लिच प्लेटें जल्दी खराब होने की दो सबसे बड़ी वजह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, आपका ये जो क्लिच है, ये जो क्लिच लीवर है, इसमें आपको चेक करना है कि आपकी फ्री प्ले है या नहीं है। इस तरीके से देखना है, देखिए इसमें फ्री प्ले है, ठीक है, ठीक है, ये पहली वजह हो गई। अगर फ्री प्ले नहीं है तो आपको फ्री प्ले कर लेनी है, ठीक है, ताकि क्लिच जो है प्रॉपर सही रहे। और दूसरी वजह जो है वो ये है कि हमारे भाई क्या करते हैं, चौथा गियर होता है और गाड़ी मांगती है दूसरा या तीसरा गियर या पहला गियर, तो क्या करते हैं, गियर चेंज नहीं करते हैं, हाफ क्लिच पे जो है उठाने की कोशिश करते हैं और उठा लेते हैं, जिसकी वजह से क्लिच प्लेटें बहुत जल्दी खराब होती हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी।